एक सेकंड बेटा, आज पहली क्लास है तो तुम लोग लेट हो गए हो, मतलब मैं भी लेट था ही, लेकिन नेक्स्ट क्लास ठीक हम लोग 8 बजे स्टार्ट करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास जो है वो हमारी बोर्ड पे हो, डिजिटल बोर्ड पे, सो दैट आप पूरा देख सकें सारी चीजें। चलिए क्या किया हाँ बेटा, बातचीत नहीं तो चाय पीते पीते पढ़ाएंगे। चलिए, तो बात हम कर रहे थे मोमेंटम कंजर्वेशन की, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो एक बार मैं चीज रिवाइज करा देता हूँ, क्या क्या हम लोगों ने लीनियर मोमेंटम में समझा था। हम लोगों ने समझा था कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम पे जीरो हो, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो, देन उसका जो लीनियर मोमेंटम होता है सिस्टम का वो कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है टाइम के साथ। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, नोट्स में भेज दूंगा जो पढ़ाऊंगा इसकी पीडीएफ, बट फिर भी लिखते हुए समझते हुए चलना है सभी को, इसलिए आराम आराम से पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। और किसी का माइक ऑन है भाई, ऑफ कर लो, किसका ऑन है, कुछ पूछना हो तो माइक ऑन करना। चलिए बच्चों, तो इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। और एक प्रॉब्लम हमने प्लैंक से रिलेटेड किया था, एक क्वेश्चन हम बेसिक से और शुरू करेंगे। मान लेते हैं ये एक और प्लैंक है, एक स्मूथ ग्राउंड पे रखा है और इस पे दो आदमी हैं, एक दुबला पतला है 40 kg का, इसकी स्पीड 4 m/s है, और एक 60 kg का है जिसकी स्पीड, ये 100 kg का प्लैंक है। जो स्पीड है मैन की, ए और बी दोनों की, वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी आर गिवन, रिलेटिव टू द प्लैंक। एंड इनिशियली एवरीथिंग वेयर एट रेस्ट, मतलब मैन भी रेस्ट पे थे, प्लैंक भी रेस्ट पे थे। तो अगर इफ मैन स्टार्ट्स रनिंग, फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ प्लैंक। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे हम लोग। चलो 1 मिनट का टाइम देते हैं, ट्राई करो सभी लोग और आंसर बताओ। सिक्स लेट्स सी, देखते हैं।
चलिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। जैसे कि ये जो प्लैंक था बच्चों, इस पे अगर ये दो आदमी, एक की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, एक की 8 मीटर पर सेकेंड है, जब ये दोनों, आप सबसे पहले तो आप सिस्टम देखिए। तो अगर बच्चों हम सिस्टम माने मैन ए प्लस मैन बी प्लस प्लैंक, तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये यहां जो फ्रिक्शन लगेगा ना बेटा, ये आदमी के पैरों के बीच में और प्लैंक के बीच में, ये इंटरनल फोर्स होगा, ये वाला भी इंटरनल फोर्स होगा। यहाँ पे एक मैन जब पुश करेगा तो यहाँ जो नॉर्मल लगेगा इनके बीच में, यहाँ पे वो भी इंटरनल फोर्स होगा और ये वाला नॉर्मल भी। इन दोनों के वेट जो लगेंगे और प्लैंक का जो वेट लगेगा, ये वर्टिकल फोर्स होगा बेटा, और ग्राउंड से मिलने वाला जो नॉर्मल होगा वो भी वर्टिकल होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्मूथ सरफेस है, रफ है नहीं, तो इस पूरे सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बच्चों कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है इसमें, है ना? इस पूरे सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं है, तो इसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। चलिए देख लेते हैं, एक्स डायरेक्शन में, राइट? तो एक्सटर्नल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज जीरो, सो इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम इक्वल कर देंगे बेटा। तो इनिशियल मोमेंटम क्या था? तो इनिशियल तो सब कुछ रेस्ट पे था, मान लेते फाइनली मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम जीरो था, फाइनल भी जीरो होना चाहिए। ना लेट आने में गलत बात है, मैं ज्वाइन नहीं करूंगा क्लास के 10 मिनट बाद किसी को, लापरवाही नहीं चलेगी। तो बच्चों पूरे सिस्टम का नेट मोमेंटम जीरो होने की वजह से फाइनल मोमेंटम, अगर इनिशियल जीरो था तो फाइनल भी जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जब ये दोनों मैन राइट में जाएंगे तो प्लैंक लेफ्ट में भागेगा। आप इसे फोर्स से भी समझ सकते हैं कि यहाँ जो एवरेज फ्रिक्शन होंगे इन लोगों पे, ये आगे की तरफ लगेंगे, तो जो प्लैंक पे एवरेज फ्रिक्शन होगा वो पीछे लगेगा एंड इट विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। अब आदमी जो है, ये आदमी, ये 4 मीटर पर सेकेंड से टुवर्ड्स राइट जा रहा है, प्लैंक के रिस्पेक्ट में राइट जा रहा है, प्लैंक बेटा पीछे जा रहा है। तो इसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो नेट वेलोसिटी होगी ग्राउंड के फ्रेम में, बिकॉज हमें सारे मोमेंटम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कंजर्व करने हैं, वो 4 माइनस वी होगी, और ये बच्चों 8 माइनस वी हो जाएगी। बिकॉज 8 मीटर पर सेकेंड तो वो प्लैंक पे चल रहा है, प्लैंक पीछे भाग जा रहा है वी से, तो नेट मूवमेंट जो ग्राउंड के फ्रेम से दिखाई पड़ेगा वो 8 माइनस वी की वेलोसिटी से दिखाई पड़ेगा। अब ये दोनों वेलोसिटी बेटा ग्राउंड के फ्रेम में है, ये भी ग्राउंड के फ्रेम में है, और नेट मोमेंटम उतना ही होना चाहिए जितना इनिशियल है। इनिशियल मोमेंटम क्या था? जीरो है। फाइनल मोमेंटम क्या है? प्लैंक का नेगेटिव होगा, -100 V। 40 kg वाले मैन का राइट डायरेक्शन में वेलोसिटी 4 माइनस वी, और 60 kg वाले बॉडी का राइट डायरेक्शन में 8 माइनस वी। तो दिस इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एंड दिस इज द इनिशियल मोमेंटम। तो आई थिंक ये क्वेश्चन सभी को क्लियर होगी। तो देखिए 100 V, 40 और 60 ये भी 100 है, तो 200 V राइट में आ जाएगा, 160 रहेगा इधर, और ये 480 रहेगा। तो 6400 तो नहीं रहेगा, डिवाइड बाय 200,
मीटर पर सेकेंड आएगी वेलोसिटी। आंसर इज 3.2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बेटा? किसी का मैच कर रहा है? ओके, चलिए तो समझते हुए मेरे साथ साथ आराम से नोट करते चलिए, इसलिए बिल्कुल स्लोली स्लोली चलेंगे। चलिए नेक्स्ट कैलकुलेशन। अभी सिर्फ मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन पे बात कर रहे हैं, धीरे धीरे हम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस ऐड करेंगे। बच्चों एक क्वेश्चन हमारा सिमिलर रिकॉइल ऑफ गन पे भी बनता है, जैसे मान लो ये हमारा पूरा सेटअप है, तोप समझ लो, गन समझ लो, इसके अंदर स्प्रिंग गन है, एक स्प्रिंग लगा रखी है और इसके अंदर स्प्रिंग कुछ कंप्रेस्ड है, ये बुलेट है। गन का मास एम है, बुलेट का मास स्मॉल एम है और ये स्मूथ सरफेस पे रखी है। अब मान लीजिए ये कुछ ऐसी मैकेनिज्म है कि ऑटोमेटिक कि हमने रिमोट दबाया और ये बुलेट फायर हो जाती है, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखी है। लेट मत होइए भाई, जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं, गलत बात है। रिकॉइल ऑफ गन में हमने बुलेट मान लीजिए ऑटोमेटिक है यहां से दबाया, तो ये बुलेट जो आप देख रहे हो ब्लू कलर की, ये ऐसे बाहर निकल रही है और गन इनिशियली रेस्ट पे है पूरे ग्राउंड पे, फ्रिक्शनलेस सरफेस आप देख पा रहे हो, तो इस पे रखिए गन हमारी रेस्ट पे। तो यहां पे अगर हम बात करें कि क्या किस तरह से मोशन होगा, तो कुछ ऐसा सिचुएशन दिखेगा फायर करने के बाद, फिर कोई आया, चलिए तो ये बुलेट हमारी बाहर निकल गई बेटा, है ना, ये बुलेट हमारी बाहर निकल गई और मान लेते हैं ये वी नॉट स्पीड से बाहर निकली है और ये गन हमारी मोमेंटम कंजर्व करने के लिए पीछे की तरफ भागेगी। डेफिनेट सी बात है बेटा, ये स्मूथ सरफेस है और ये अगर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू गन दी जाए, गन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी वी नॉट है और ये, इसे बच्चों हम रिकॉयल स्पीड ऑफ गन कहेंगे, तो आपको बताना है फाइंड आउट रिकॉयल स्पीड ऑफ गन। गन की रिकॉयल स्पीड क्या है? ऑल्सो एनालाइज द काइनेटिक एनर्जी कंपैरिजन ऑफ बुलेट एंड गन। मतलब हम ये भी एनालाइज करेंगे कि जब बुलेट निकलती है, हल्की सी बुलेट है, भारी सी गन है, तो किसके पास काइनेटिक एनर्जी अधिक होती है। ओके, चलिए भाई, तो पहले हमारी गन रेस्ट पे थी, इनिशियली रेस्ट पे है सब कुछ और बुलेट को अगर हमने फायर किया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से जैसा कि हमने कहा स्टार्ट किया, इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, पूरा दो या तीन क्लास मोमेंटम चलेगा, तो इसलिए बिल्कुल शुरू से नहीं समझोगे तो बाद वाले क्वेश्चन में हवा भी नहीं लगेगी।
चलो मोमेंटम कंजर्व करो, सिमिलर क्वेश्चन है जैसा प्लैंक वाला था। एक चीज गौर करने वाली है, अगर ये वेलोसिटी वी नॉट गन के रिस्पेक्ट में है और गन पीछे भाग रही है ना, तो हमने समझा था कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए मुझे गन का वेलोसिटी वेक्टर जोड़ना पड़ेगा। तो वी नॉट है, वी अपोजिट डायरेक्शन में है, जोड़ेंगे तो घट जाएगा। ना तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो नेट वेलोसिटी आएगी बेटा गन बुलेट की, वो वी नॉट माइनस वी आएगी ग्राउंड के फ्रेम में। मोमेंटम कंजर्वेशन आपको लगाना है बेटा। मोमेंटम क्यों कंजर्व है, अगर हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि हमने जो सिस्टम माना है वो है बेटा गन प्लस बुलेट। तो जब ये बुलेट को बाहर की तरफ पुश किया होगा, ये जो स्प्रिंग लगा हुआ है इसके अंदर, इसने जब पुश किया होगा बेटा, तो जितना फोर्स इसने बुलेट पे टुवर्ड्स राइट लगाया होगा, इस बुलेट ने भी उतने फोर्स इस पे टुवर्ड्स लेफ्ट लगाया होगा। तो वो इस पूरे सिस्टम के अंदर लगने वाले, अंदर होने वाले दो ऑब्जेक्ट के बीच का एक्शन रिएक्शन पेयर है बेटा, एंड वो एक इंटरनल फोर्स है, और इंटरनल फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होता है वो जीरो होता है, ठीक है ना। तो नेट इंटरनल फोर्सेस हमेशा जीरो होते हैं। इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इस पूरे सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसलिए आप कह सकते हो कि इस सिस्टम पे जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा। बुलेट फायर करने के पहले का मोमेंटम और बुलेट फायर करने के बाद का मोमेंटम दोनों इक्वल होंगे बेटा, ठीक है। तो चलिए इस इक्वेशन में मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। तो आप इस इक्वेशन से देख सकते हैं, इनिशियली दोनों चीजें रेस्ट पे थी, मोमेंटम जीरो था, फाइनली बुलेट राइट डायरेक्शन में जा रही है वी नॉट माइनस वी की वेलोसिटी से, और गन हमारी लेफ्ट में आ रही होगी माइनस एम वी वेलोसिटी से। मतलब वी वेलोसिटी है लेफ्ट डायरेक्शन में, तो चूंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ध्यान रखिएगा ग्राउंड के फ्रेम में कंजर्व कर रहे हैं, तो सारी वेलोसिटी ग्राउंड के फ्रेम में ही होनी चाहिए। तो From here we can see answer is mv naught divided by m plus m। अगर हम यही, अगर हमको बच्चों ये वेलोसिटी जो दी जाती है गन के रिस्पेक्ट में ना देकर ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली गिवन हो, तो हमें गन की वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट नहीं करनी पड़ेगी उस केस में, क्योंकि वो ऑलरेडी ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे गिवन है। इस केस में यहाँ पर सिर्फ एम वी नॉट आएगा और माइनस एम वी आएगा, तो ये एम वी नॉट डिवाइड बाई कैपिटल एम आएगा, स्मॉल एम यहाँ पे ऐड नहीं होगा। तो मेक श्योर कि ये किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बुलेट की वेलोसिटी दी गई है। कभी कभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेंशन नहीं करता है, तो हम ऐसे में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही मान के चलेंगे बेटा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, एक सवाल उठता है काइनेटिक एनर्जी कंपैरिजन का, तो मासेस अलग अलग हैं, स्पीड अलग अलग है, इस तरह से आप सोचोगे तो आपको दिक्कत होगी। ऐसे समझो जरा, दोबारा से अगर मैं एक क्वेश्चन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखूं, तो आप देखो गन के पास जो मोमेंटम है बी कैपिटल जी वो निगेटिव डायरेक्शन में है, और बुलेट के पास जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, और नेट मोमेंटम तो जीरो ही है यहाँ। यानी मैं यहाँ से कह सकता हूँ गन के मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बुलेट के मोमेंटम के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और कोई बॉडी का ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है तो उसे पार्टिकल जैसा हम ट्रीट कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है ट्रांसलेटरी, वो मोमेंटम का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2m मास से भी कंपेरिजन कर सकते हो। तो गन की काइनेटिक एनर्जी है, मान लेते हैं दोनों के मोमेंटम की वैल्यू सेम है, यानी मोमेंटम सेम है बेटा दोनों का, तो ये गन का मास है कैपिटल एम, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट बेटा यू कैन सी पी स्क्वायर डिवाइड बाय टू टाइम्स स्मॉल एम होगा, और स्मॉल एम जो है वो छोटा है कैपिटल एम से गन के मास से, तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट विल बी ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी रिकॉयल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन। इसका मतलब जब भी बेटा हम बुलेट फायर करते हैं, किसी भारी चीज से छोटी चीज निकलती है,
जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल दूं, अल्फा डिके हो रहा है, यूरेनियम न्यूक्लियस से एक अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, तो यूरेनियम के पूरे न्यूक्लियस को बुलेट जैसा मानो और अल्फा निकल रहा है ऐसे, सॉरी पूरे को गन मान लो, इसे बुलेट मान लो, तो ये यूरेनियम न्यूक्लियस पीछे भागेगा। या हाइड्रोजन एटम से फोटोन निकल रहा है, ऐसे केसेस में मैक्सिमम एनर्जी जो का हिस्सा इस छोटे वाले पार्टिकल के पास जाता है, वी विल डिस्कस इन मॉडर्न फिजिक्स आल्सो दिस कॉन्सेप्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर बुलेट का मास कम होने के कारण जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो बुलेट के पास ही जाती है। अगर दोनों का मास कंपेरेबल हो, मान लो 1 किलोग्राम की बुलेट 1 किलोग्राम का गन, तो जितनी तेज बुलेट भी आगे भागेगी उतनी तेज गन भी पीछे भागेगी, ठीक है ना। या कोई हल्का इंसान, 150 ग्राम का इंसान बुलेट फायर कर रहा है तो फिर वो खुद उड़ जाएगा हवा में। तो कहने का मतलब यही है, ये बेसिक कंपैरिजन है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से आप स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन टू नोट डाउन कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो लाइटर ऑब्जेक्ट के पास अधिक होगी, हल्के ऑब्जेक्ट के पास ज्यादा होगी, ठीक है ना। चलिए इसको लिख लीजिए, अगर नहीं लिखा आपने, ये लिखते चलिए मेरे साथ। ठीक है, चलिए लिखिए। ओके, तो ठीक है, काफी टाइम मिल जाता है तो नोट करते रहा करो। एक क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस करेंगे, नोट्स बाकी मैं पीडीएफ भेज दूंगा। इस क्वेश्चन में मैं सफिशियंट टाइम दूंगा आपको, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। ये फ्रिक्शनलेस ग्राउंड है, ये फ्रिक्शनलेस ग्राउंड है, उस पे एक वेज रखी है, ये मान लेते हैं 20 किलोग्राम इसका मास है लेट से, और इस पे एक छोटी सी बॉल रखी हुई है टॉप मोस्ट पॉइंट पे, इसकी हाइट 4 मीटर है, चलो 2 मीटर मान लेते हैं, और ये यहां पर भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये बॉल जो है वो स्मॉल साइज की है पर हैवी है, मतलब 4 किलोग्राम की बॉल है। होल सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, होल सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। अब जब हम सिस्टम को छोड़ेंगे, ये बॉल ऐसे नीचे की तरफ आएगी बेटा, और ये चूंकि इसका नेट मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 है और हम देखेंगे कि कंजर्व भी रहेगा, तो जब ये बॉल टुवर्ड्स राइट नीचे आएगी तो ये 20 kg का जो वेज है जो फ्री है मूव करने के लिए पीछे की तरफ भागेगा। तो होल सिस्टम इज रिलीज्ड एट रेस्ट, तो आपको बताना है फाइंड आउट स्पीड ऑफ बोथ बॉल एंड वेज व्हेन दे आर सेपरेटेड। जब वो दोनों बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे, मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, है ना, दोनों सेपरेट हो जाएंगे, बॉल ऐसे जा रही होगी, है ना, ये वेज इस तरह से जा रही होगी, तब बताना है दोनों की स्पीड क्या है। ऑल सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस, कंसीडर जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
नोट डाउन द क्वेश्चन प्लीज एंड टेक 2 मिनट्स टू थिंक अबाउट इट. मैं हिंट दे देता हूँ, पूरे को सिस्टम अगर मान लो बेटा, पूरे को सिस्टम मान लो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं नजर आएगा आपको एक्सटर्नल, देख लो चाहे. अगर पूरे को सिस्टम मानोगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा. एक तो ये है, और वैसे भी मैंने बताया था बेटा मैकेनिक्स के मैक्सिमम क्वेश्चन 3-4 कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है. एनर्जी हो गया, मोमेंटम हो गया, आगे रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम पढ़ोगे, वर्क एनर्जी थ्योरम हो गया, है ना, इन्हीं से सारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं बेटा. तो एक तो इसमें मोमेंटम कंजर्व रहेगा, लेकिन अननोन दो होंगे. आप देखिए जरा ध्यान से, इस बॉल की स्पीड को अगर v1 मानेंगे और वेज की स्पीड को v2 मानेंगे तो दो अननोन है, तो कम से कम दो इक्वेशन चाहिए. तो एक इक्वेशन बेटा एनर्जी कंजर्वेशन की भी लगा सकते हो, क्योंकि इस सिस्टम में आप देख पा रहे हो कहीं पे कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, ना तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन है बेटा, ना तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन है, ना ही ग्राउंड पे कोई फ्रिक्शन है ना, तो कोई फ्रिक्शन नहीं है. केवल इस पार्टिकल का जो 4 kg पे mg लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, वही वर्क डन कर रहा होगा. तो चाहे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लो, ठीक है. तो अगर केवल ये 4 kg पे जो वेट है वो वर्क डन कर रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और जब केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क करते हैं तो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है बेटा, है ना. तो चलिए, तो मेनली दो कॉन्सेप्ट, दो प्रिंसिपल यूज होने वाले हैं बेटा यहाँ पे. एक तो यहाँ पर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन यूज होने वाला है, और एक बचा यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज होने वाला है, ये एक्स डायरेक्शन में और ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन. तो बेटा यूज करें और इक्वेशन बताएं बेटा, और आंसर निकालने का प्रयास करें. सर इसमें तो सर जो ऊपर जाएगी तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट होंगे ना. हाँ, क्या कह रहे हैं? जब बॉल ऊपर से नीचे आएगी तो सर उसके एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा. किसका किसका? 4 kg बॉल का. सो वेलोसिटी बॉल का कंपोनेंट नहीं होता गधे, किसका? फोर्स का कंपोनेंट बोलना. वेलोसिटी किस फोर्स का? ठीक है, समझ गया. वेट का कोई वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में है जब वेट? नॉर्मल इंटरनल फोर्स है बेटा. तो v1 इक्वल टू 12 बाय रूट 3 आएगा. हाँ, v2 इक्वल टू 2 बाय रूट 3. देखो जब बॉल स्लिप करेगी तो ये जो नॉर्मल, ये वाला नॉर्मल है ना, ये इंटरनल फोर्स है, ये तो नेट जीरो हो ही गया बेटा हमेशा, है ना. ये वाला जो नॉर्मल है देखो, ये भी वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, मैं दिखा देता हूँ. इनका वेट जो लगेगा ये सब वर्टिकल फोर्सेस होंगे, है ना, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा बेटा. तो एक्सटर्नल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज जीरो, सो वी कैन कंजर्व द लीनियर मोमेंटम फॉर द सिस्टम, माना फॉर सिस्टम. सिस्टम मींस पार्टिकल प्लस वेज.
भाई, तो एक तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन हम करेंगे, जितना इनिशियल मोमेंटम है उतना ही फाइनल होना चाहिए बेटा। तो इनिशियली पूरा सिस्टम टाइप पे था, आप देख सकते हो ना तो इस वेज के पास कोई वेलोसिटी थी ना ही इस 4 केजी बॉल के पास। तो अगर हम देखें कि क्या कंडीशंस लगने वाली हैं, तो इनिशियली दोनों का मोमेंटम जीरो था, फाइनली 4 केजी ब्लॉक के पास टुवर्ड्स राइट वेलोसिटी v1 है, तो 4v1 पॉजिटिव डायरेक्शन में मोमेंटम होगा, और 20 केजी वेज के साथ v2 नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी, और दोनों वेलोसिटी मैंने ग्राउंड के फ्रेम में मानी है बेटा, तो दैट्स व्हाई दोनों ग्राउंड के फ्रेम में होंगी। तो यहां से एक रिलेशन आ जाएगा v1 इज इक्वल टू 5v2, एक रिलेशन ही आ जाएगा। एनर्जी कंजर्वेशन अगर हम लगाएं, एनर्जी कंजर्वेशन तो बेसिक फॉर्मेट में लगा रहे हैं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आप देखो यहां पर ध्यान से, तो जो ये बॉडी है ये नीचे आई है ना, तो इसकी, या आप चाहो तो ग्राउंड पे जीरो मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे जीरो मैं अवॉइड करता हूँ। मैं 4 केजी वाली बॉडी जब नीचे आ रही है बेटा, कोई बॉल जब एच हाइट नीचे आती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी MGH घट जाती है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे ये बॉल यहाँ पे थी, मान लो इसकी पोटेंशियल एनर्जी U1 थी, इसकी बॉल अगर एच हाइट नीचे आई तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज MGH का होता है, तो यहाँ न्यू पोटेंशियल एनर्जी U1 - MGH होगी। ऐसे ही बॉल अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर मूव करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी U1 रहेगी, बिकॉज ग्रेविटी का कोई वर्क नहीं होगा, और अगर एच हाइट बॉल ऊपर जा रही है तो प्लस MGH हो जाएगी। तो इस लिहाज से वेज का मोशन जो हो रहा है, वेज पे अगर आप ध्यान दें तो वेज का मोशन हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हो रहा है, तो वेज का जो सेंटर ऑफ मास है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, उसके सेंटर ऑफ मास के लेवल में, तो उसके पोटेंशियल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो उसको लिखो या न लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आप चाहोगे तो मैं लिख दूंगा। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में मैं एक तो बॉल की पोटेंशियल एनर्जी यू बॉल लिख देता हूं और एक वेज की UW लिख देता हूं। काइनेटिक एनर्जी जीरो है, दोनों रेस्ट पे हैं। अब बॉल नीचे आ गई है, MGH माइनस कर देंगे, MG 4 kg है m, तो MGH ये बॉल की न्यू पोटेंशियल एनर्जी है, और वेज की पोटेंशियल एनर्जी तो उतनी रहेगी, इसलिए मैं कह रहा था इसको लिखने की भी जरूरत नहीं होती है। तो ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बॉल की मेरी मर्जी है, मैंने कुछ मान ली होगी कुछ इनिशियल, मुझे नहीं जानना कितना है, जीरो लेवल कहाँ है, क्योंकि ग्राउंड पे जीरो लेवल मानेंगे तो फिर हम MGH उस हिसाब से लगा सकते हैं। तो क्योंकि जो MGH होता है वो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो MGH वो भी स्मॉल हाइट के लिए, तो बॉल की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमने कुछ मान ली, वेज की भी कुछ मान ली, वेज की तो बदलेगी नहीं, सेम लेवल पे मोशन हो रहा है, बॉल की पोटेंशियल एनर्जी जो फाइनल होगी उसमें MGH घट जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बॉल की होगी हाफ MV1² प्लस हाफ 20V2² हाफ MV² और प्लस हाफ MV², ये वाला टर्म भी आप देख रहे हो इससे कैंसिल आउट हो गया है, तो यहां से 4080 इज इक्वल टू आ जाएगा 2V1² प्लस 10V2² दो से डिवाइड कर देते हैं, V1² प्लस 5V2² इज इक्वल टू 40। ये सेकेंड इक्वेशन है, और फर्स्ट इक्वेशन आई थी V1 इज इक्वल टू 5V2। तो मुझे लगता है कि अब आप इन दो इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं हो तो बता देना। यहां रख दोगे तो 25 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30V, तो V2² आ रहा है शायद 4/3, तो V2 आ रहा है 2/√3 मीटर पर सेकेंड, तो V1 आ रहा है 10/√3 मीटर पर सेकेंड। देखिए यही आ रहा है ना क्या? तो इस सर इसके ऊपर थोड़ा समझा दीजिए, ये यूबी वाला यूबी प्लस यूडब्ल्यू बेटा, ये पोटेंशियल एनर्जी, देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते वक्त क्या करते हैं हम, ये एक स्मार्ट तरीका होता है, जब बहुत सारी बॉडी होती है
तो हम इस बारे में अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं कि हम जीरो कहाँ मान रहे हैं, जैसे हम ग्राउंड पे जीरो मान रहे हैं कहीं और मान रहे हैं, हमारी मर्जी, हम नहीं मानेंगे जीरो, जीरो कहीं भी हो सकता है। तो हमने ये मान लिया कि दो ही चीजों की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, एक बॉल की एक वेज की। बॉल नीचे आ रही तो मान लिया कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बॉल की कुछ यू बी थी और वेज की यू डब्ल्यू थी। बेटा ये वेज के लिए है, ये बॉल के लिए। अब बॉल तो नीचे आ गई, कितना एच हाइट, तो बॉल की पोटेंशियल एनर्जी ऊपर से नीचे आने पे जो भी हाइट नीचे आएगा यू बी माइनस एम जी एच होगी। पहले अगर यू बी थी तो फाइनली बॉल की पोटेंशियल एनर्जी यू बी माइनस एम जी एच होगी। और वेज का मोशन चूंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हुआ है, वेज की हाइट में कोई चेंज नहीं हो रहा, ना तो वेज ऊपर गई है ना वेज नीचे आई है, तो वेज का जो सेंटर ऑफ मास है वो उसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे मोशन कर रहा है। तो जब हाइट में कोई चेंज नहीं हो रहा तो वेज की पोटेंशियल एनर्जी में कोई बदलाव नहीं होगा, तो जितनी वेज की पहले थी उतनी वेज की बाद में है। तो ये दोनों से टर्म आप मानते ही अपने आप कट जाते हैं, और फिर हमने दोनों की काइनेटिक एनर्जी लिख दी है। तो बस ये देखना है कि जो कोई भी बॉडी अगर ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर जा रही, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर लगा रहे हो, तो इस बात में अपना समय चाहो तो ना बर्बाद करो कि जीरो माने कहां माने, जीरो कहां ना माने। आप जो जहां भी बॉल हो वहां पर उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मान लो कुछ यू या यू वन या यू बॉल, अगर वो एच हाइट ऊपर गई है तो नई वाली पोटेंशियल एनर्जी में प्लस एम जी एच करके लिख दो, एम जी एच बढ़ जाएगी, एम जी एच चेंज होता है ना। और अगर वो नीचे आई है तो नई वाली पोटेंशियल एनर्जी में एम जी एच माइनस करके लिख दो। वही मैंने किया यहाँ पे, एम जी एच माइनस कर दिया। आप चाहो तो अगर मास्टर वर्क एनर्जी थ्योरम में भी हो, वर्क एनर्जी में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बातें आ जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इंटरनल फोर्स है। हालांकि ये बात आपको पता है कि जब तक डिफॉर्मेशन ना हो तो इंटरनल फोर्सेस का नेटवर्क सिस्टम पे जीरो होता है। तो यहाँ पर केवल इस 4 केजी वाले का वेट ही वर्क करेगा, ये जो 4 केजी वाले पे एमजी लग रहा होगा यही नीचे आने पे वर्क करेगा। तो इस इक्वेशन को अवॉइड करके इस वाली इक्वेशन के स्थान पर आप वर्क एनर्जी थ्योरम भी आसानी से लिख सकते हो, लेकिन प्रेफर हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं। हालांकि वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट थ्योरम है वर्क पावर एनर्जी की, और वो सभी सवालों को सॉल्व कर देती है। तो मैं अगर यहाँ पर साइड से वर्क एनर्जी थ्योरम लिख दूं आपके लिए, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू डेल्टा के होता है बेटा, और 4mgh हो जाएगा, ये mgh है, ये ग्रेविटी का वर्क होगा, और चेंज इन टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा जो पार्टिकल है उसकी स्पीड इतनी है और जो वेज है उसकी स्पीड इतनी है, और इनिशियली कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी। तो अल्टीमेटली यही क्वेश्चन बन जाएगी, बट कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे बेटा जिसमें तुम्हें वर्क एनर्जी थ्योरम में गलती हो जाएगी, क्योंकि आप कुछ वर्क डन हो सकता है मिस कर दो, बाकी स्ट्रॉन्गेस्ट है, बट अगर परफेक्शन हो लगाने में तभी आप इसको लगा सकते हैं। बट कुछ जगह वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे जब से फ्रिक्शन आ जाएगा, तो मजबूरी होगी हमारी, क्योंकि फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, वहां एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, तब तो मजबूरी है ना। तो वर्क एनर्जी थ्योरम, यस बेटा, सर बॉल की वेलोसिटी वेज के रिस्पेक्ट नहीं ले सकते बेटा? आवश्यकता नहीं है आदित्य, क्योंकि आवश्यकता इसलिए नहीं है कि पिछले सवाल में गिवन ही था, इसलिए मजबूरी थी। यहाँ पर ये जब बॉल उतर के जमीन पर आ जाएगी और जमीन पे चल रही होगी तो देयर इज नो नीड, जब पूछी गई है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में और कोई मजबूरी भी नहीं है तो क्यों हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ना माने? या तो हमें पता ना हो कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किधर जा रही है, बॉल का मोशन वेज के ऊपर ही हो रहा होता तो हम कह सकते थे। तो इसलिए हम जबरदस्ती अपनी मर्जी से रिलेटिव वेलोसिटी क्यों माने, पहले रिलेटिव माने फिर V1 में V2 घटाएं, है ना। तो जब तक हम कोशिश करेंगे ग्राउंड के रिलेटिव में अगर मान सकते हैं तो ग्राउंड के रिलेटिव में मानेंगे, अब अगर वेज के रिलेटिव में गिवन है तो वेज के रिलेटिव में तो मजबूरी है माननी पड़ेगी, या हमारी मजबूरी हो वेज के रिलेटिव मानना, कब मजबूरी होती है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा एक दो क्वेश्चंस में, है ना। तो इसलिए हमने नहीं माना, क्या जरूरत ही नहीं, जब हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही क्वेश्चन सॉल्व करना है और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमें पता है कि बॉल हमारी टूवर्ड्स राइट जा रही है, तो हमें मानने की जरूरत भी नहीं है कि वेज के रिलेटिव माने, तो हमने दोनों वेलोसिटी ग्राउंड के फ्रेम में ही मानी है बेटा, ठीक है। चलिए तो एक सिमिलर क्वेश्चन बेटा मैच करते हुए हम लोग पढ़ेंगे, वन मोर वेरी गुड क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा जो मोमेंटम के बच्चों क्वेश्चन होते हैं जो जेई में पूछे जाते हैं, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम वगैरह के, है ना।
मतलब बहुत ही रेयर होता है सेपरेट, मतलब इन दोनों चैप्टर की मिक्सिंग करके ही मेनली जेई में प्रॉब्लम आता है, जिसमें एनर्जी भी यूज हो रही होती है, मोमेंटम कोलिजन भी हो रहा होता है ना। चलिए तो यहाँ पे बच्चों, ये हमारे पास एक बड़ी हैवी और ऊंची वेज है, बहुत ही हाइट इसकी काफी ज्यादा है, और ये मास कैपिटल एम है, ये स्मूथ सरफेस पे रखा है, अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं जीवन में क्या कर सकते, कुछ नहीं करेंगे, इंजीनियर तो दूर चपरासी नहीं बनेंगे कभी, जो भी व्यक्ति हो, आई डोंट नो, इतनी सिंसियरिटी नहीं किसी के पास, आईआईटी की तैयारी करने चले हैं। 5 मिनट क्लास स्टार्ट होने के 10 मिनट बाद नहीं ज्वाइन करूंगा किसी को अगली क्लास में, ये याद रखना, और रिकॉर्डिंग तो कतई नहीं होगी, मैं एक भी क्लास रिकॉर्ड नहीं करूंगा, चाहे डिजिटल बोर्ड से ही क्लास क्यों ना लूं, क्योंकि सिंसियरिटी, जिस टाइम पे क्लास है उस टाइम पे सबको अटेंड करनी है, ये सिंसियरिटी दिखाओगे तभी जेई की तैयारी कर रहे हो तुम लोग, आईटीआई की तैयारी नहीं कर रहे हो, आईआईटी की तैयारी कर रहे हो। चलिए, एक पार्टिकल है स्मॉल एम मास का, और ये वेज हमारी रेस्ट पे है, अभी वेज रेस्ट पे है, और पार्टिकल को हमने वी नॉट वेलोसिटी से थ्रो कर दिया है वेज की तरफ, और ये स्मूथ सरफेस है, ये स्मूथ सरफेस है, एंड वेज इज फ्री टू मूव, वेज इज फ्री टू मूव, तो हमें बताना है कि जब इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तो फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय पार्टिकल ऑन द वेज। क्वेश्चन कॉपी कर ले और सोचे जरा एक मिनट इस क्वेश्चन के बारे में, प्रॉब्लम्स अच्छे हैं, फटाफट इनका सोल्यूशन देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें भी आप एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन ही अप्लाई करेंगे। हाइट कैलकुलेट करनी है बेटा, हाइट ही तो कैलकुलेट करनी है, ये पार्टिकल सर, इक्वल टू आएगा, हाँ सर, कैपिटल एम वी नॉट स्क्वायर बाय 2g ब्रैकेट में स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, देखो कैपिटल एम वी नॉट स्क्वायर बाय 2g आ रहा है कि स्मॉल एम वी नॉट स्क्वायर बाय 2g आ रहा है, स्मॉल एम आ रहा, लेट्स सी देखते हैं बच्चों इसके बारे में, वेरी गुड वेरी गुड, यही देखिए सोचना है सभी को, और एक बात बहुत ध्यान समझिए, मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या होगा, सबसे पहले आपको ये सोचना है कि ये जो पार्टिकल है ये मैक्सिमम हाइट पर आखिर कब होगा, और जब ये मैक्सिमम हाइट पर होगा तब सिचुएशन क्या होगी, है ना, कंडीशन क्या होगी,
तो आप सबसे पहले तो ये देखो कि जब ये पार्टिकल इस वेज पे चढ़ना शुरू करेगा, किसी एक मोमेंट ऑफ टाइम पे क्या होगा बच्चों, जब ये वेज पे चढ़ना शुरू करेगा यहां पर, तो ये वेज के रिलेटिव में मूव कर रहा होगा। साथ ही साथ ये जो नॉर्मल फोर्सेस लगेंगे ये सिस्टम के लिए भले ही इंटरनल फोर्स हो, पर ये नॉर्मल केवल वेज के लिए, तो एक्सटर्नल फोर्स है जो इसको पुश कर देगा टुवर्ड्स राइट। तो वेज के पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी बेटा, और वेज के रिलेटिव में इसके पास भी वेलोसिटी होगी। तो वेज के रिलेटिव में ये ऊपर भी चल रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, और वेज भी ऐसे चल रही होगी, चलना शुरू कर देगी ड्यू टू दिस नॉर्मल फोर्स कंपोनेंट ऑफ दिस नॉर्मल। सिस्टम के लिए ये इंटरनल फोर्स है बेटा नॉर्मल, ठीक है। सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा बिकॉज ये नॉर्मल इंटरनल फोर्स है। इसके अलावा ये वाला जो एम जी लगे या ये वाला जो एम जी लगे, ये वाला जो नॉर्मल लगे, ये सब वर्टिकल फोर्स है। तो एक्स डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मैकेनिकल एनर्जी इसलिए कंजर्व रहेगी क्योंकि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, और यू कैन अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम हाइट के बारे में सोचना है सबसे पहले। अब आप देखो, अब आप ये बहुत प्रैक्टिकल बात है कि मैक्सिमम हाइट, ये बॉल चलती चली जाएगी, जहां ये रुक जाएगी इस वेज के ऊपर, जहां बॉल रुक जाएगी। आप देखिए, जब मान लो यहां बॉल रुक जाती है, तो अब ये ऐसे सोचो वेज के रिलेटिव में इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, वेज के रिलेटिव में ये बॉडी रुक जाएगी, बट चूंकि वेज मूव कर रही है तब तक वेज हमारी कुछ वी वेलोसिटी अचीव कर चुकी होगी। ऐसे समझ लो एक बड़ी सी वेज है, पहाड़ी टाइप है, उस पर तुम चढ़ रहे हो, तुम चढ़ते 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 थक गए और ऊपर जाके पहाड़ी पे बैठ गए, लेकिन वो पहाड़ी चल रही थी तब तक, या मूविंग बस पे तुम बैठे हो, तुम छत पे बस के बैठे हो, तुम रुके हुए बस के रिलेटिव में, पर बस यार चल रही है अगर, तो तुम्हारी और बस की वेलोसिटी सेम हो जाएगी रोड के रिस्पेक्ट में। तो इस मोमेंट ऑफ टाइम पे सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात यही है कि एट हाईएस्ट पॉइंट, यहां मैं कह सकता हूं एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू वेज विल बी जीरो, एंड वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी वेलोसिटी ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिलेटिव में दोनों की बराबर हो जाएगी, लेकिन बॉल की वेज के रिस्पेक्ट में जीरो हो जाएगी। सबसे पहले तो स्टेट आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट होता है बेटा, कि जिस परिस्थिति में हम मैक्सिमम हाइट निकालना चाहते हैं उस परिस्थिति में सिचुएशन कैसी है। ये इसलिए फिजिक्स तो यही है, बाकी आगे तो फिर कैलकुलेशन है, हर बच्चा कर लेता है। तो थिंकिंग अबाउट द फाइनल स्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस प्रॉब्लम, कि हाउ वी विल थिंक अबाउट द प्रॉब्लम, हाउ वी विल मूव इनटू द प्रॉब्लम। तो चलिए, तो हमें आप समझ गए कि जब ये पार्टिकल इस पे चढ़ेगा तो इस केस में ये वेज आगे की तरफ ही मूव करेगी, पीछे ना भगा देना, एंड ये चढ़ते 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 तो रुक जाएगी। तो रुक जाने का मतलब ग्राउंड के रिलेटिव में नहीं रुक जाएगी, वेज के रिलेटिव में रुक जाएगी, बट वेज मस्ट बी मूविंग इन दैट इज टाइम। So we can say with in ground frame velocity of particle and velocity of wave will be same. So let me make one more diagram. कुछ ऐसी सिचुएशन है बेटा, यहाँ पे पहले पार्टिकल ग्राउंड पे था और मैं थोड़ा सा छोटा डायग्राम बना लेता हूँ। ये वेज थी जो स्टेशनरी थी, मैक्सिमम हाइट पे जाते जाते सिचुएशन ये होगी, मान लो ये दिस इज द मैक्सिमम हाइट, इसकी वेलोसिटी v होगी और इसकी भी ग्राउंड के फ्रेम में, वी आर लुकिंग फ्रॉम द ग्राउंड, v हो जाएगी, ठीक है। एंड वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द पार्टिकल, ये h हाइट हमें बतानी है। द प्रिंसिपल दैट वी आर गोइंग टू यूज इज लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन एंड मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, राइट। तो आइए अप्लाई करते हैं बेटा। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, एम वी नॉट
हॉरिजॉन्टल मोमेंटम है वेज का जीरो है, एंड एम वी यहाँ पर देखिए टूवर्ड्स राइट, इसका मोमेंटम भी एम वी और इसका भी कैपिटल एम वी होगा, है ना। इक्वेशन ये लगाएंगे जहां से वी नॉट की, वी की वैल्यू आ जाएगी एम वी नॉट अपॉन एम प्लस, मतलब उस वक्त की कॉमन स्पीड, जिस वक्त दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, ठीक है। अब आप चाहे तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लें, अगर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं तो ये जो पार्टिकल का एम जी होगा ये इसी ने नेगेटिव वर्क किया होगा बेटा। मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा देता हूं, तो एनर्जी कंजर्वेशन, तो इनिशियल पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी बेटा मैं इनिशियल मान लेता हूं पार्टिकल, यू पार्टिकल, वेज की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा उसको चाहो तो ना लिखो बेटा। जैसे तुम देखो वेज का जो मोशन हो रहा है, वेज का जो मोशन हो रहा है ये टूवर्ड्स राइट हो रहा है, तो ना तो इसके सेंटर ऑफ मास में की हाइट में इंक्रीमेंट हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, तो हम कह सकते हैं वेज की पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा था। जितनी इधर लिखोगे उतनी उधर लिखोगे, कट वैसे ही जाएगी, जब कट जाएगी तो अपने आप चीज बदल जाएगी, है ना, चीज चेंज नहीं होगी तो लिखने का कोई मतलब नहीं, बट स्टिल आई कैन राइट इट। काइनेटिक एनर्जी देखिए, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी यहाँ जीरो नहीं है ना, नहीं मोमेंटम जीरो था, तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल के पास इतनी थी, वेज के पास जीरो थी। अब पार्टिकल एच हाइट ऊपर गया है तो स्मॉल एम जी एच जोड़ देंगे उसकी पोटेंशियल एनर्जी में, है ना, तो और वेज में तो कोई चेंज नहीं होगा तो यू वेज वही रहेगा, और दोनों की स्पीड सेम है तो चाहे हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ छोटा एम वी स्क्वायर इकट्ठे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये जो आप एज्यूम करते हो ना ये वैसे कैंसिल आउट हो जाते, इसमें फायदा ये होता है कि आपको ये झंझट नहीं पालना है कि भाई जीरो कहाँ ले रहे हो, ग्राउंड लेवल पे जीरो ले रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस नहीं भी पता होता है तो भी आप कर सकते हैं। अब आप बेटा ये वाली वी की वैल्यू जब यहाँ उठाकर पुट कर देंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ से एच की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह से ये दो प्रॉब्लम बच्चों हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। चलिए फटाफट कॉपी कर लीजिए, एनर्जी कंजर्वेशन है बेटा, एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन में सर रिपीट कर दीजिए क्यों भाई, वर्क पर एनर्जी तो पढ़ चुके हो ना यार तुम लोग। यस सर। कैसे लगाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल की कुछ मान ली मैंने अपनी मर्जी से, यूपी यू पार्टिकल, वेज की मान ली यू वेज, पार्टिकल एच हाइट ऊपर गया है तो पार्टिकल की फाइनल हो जाएगी यू पार्टिकल, जो इनिशियल थी उसमें एमजी जुड़ जाएगी, वेज की हो जाएगी यू डब्ल्यू, वही जो पहले थी क्योंकि उसकी हाइट में चेंज नहीं हुआ। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल के पास केवल इतनी थी, पोटेंशियल एनर्जी लिखने में ही तो दिक्कत हो रही तुम्हें, तो बोल दिया मैंने जो इनिशियल है उसको मान लो, और अगर एच हाइट ऊपर बॉडी गई है तो उसमें एमजीएच जोड़ के फाइनल लिख दो, अगर नीचे आई है तो माइनस एमजीएच कर दो, इतनी सी बात है बेटा। जी सर।
चलिए भाई, तो अब थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। एक खास तरीके का क्वेश्चन बनता है, इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज होगा। चलिए उससे पहले मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, एक सिमिलर कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए। एक वेज है हमारे पास जिसमें दस केजी का वेज है और इसमें एक ये स्फेरिकल कैविटी है ना। यहां पर एक फ्रिक्शनलेस स्मॉल पार्टिकल है बॉल टाइप, जो 2 किलोग्राम बॉडी है। रेडियस ये आर है, इसकी रेडियस 1 मीटर है। ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ऑल सर्फेसेस फ्रिक्शनलेस। जब इस बॉल को सिस्टम को रेस से छोड़ा जाता है और ये इस लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंच जाती है, सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। ए है ये बी है। फाइंड आउट स्पीड ऑफ वेज when ball reaches the point P. Note down the question and try to solve. अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा, इसमें पूरा सॉल्व करिए। अब 2-3 मिनट का टाइम देता हूं। This is also the basic problem based on conservation of energy and momentum. जिन बच्चों ने वैक्सीन नहीं लगवाया है, वैक्सीन लगवा लो फटाफट अगल बगल के स्वास्थ्य केंद्र से। हर जगह वैक्सीन लग रही है। करते रहो भाई, करो फटाफट। अंडर रूट में 10/3। लेट्स सी सर, वी बी इक्वल टू आएगा 2√6 और वी वेज इक्वल टू आएगा 2/3 रूट में रहेगा।
सर्टेन रूट आर बाय सिक्स लेट्स सी ओके बच्चों तो देखिए जब ये पार्टिकल एकदम लोवेस्ट पॉइंट पे आ जाएगा तो पार्टिकल बिल्कुल इस लोवेस्ट पॉइंट पे होगा, ध्यान समझना। तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी जो होगी वो टुवर्ड्स राइट होगी और वेज की वेलोसिटी टुवर्ड्स लेफ्ट होगी, क्योंकि जब पार्टिकल यहां कहीं होगा, आप देखो इस पे नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा, वेज पे नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा, एक तो ये बात है। दूसरा सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स इसमें भी नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर फोर्स नहीं है तो मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। तो अगर पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट राइट डायरेक्शन में हो रहा है तो वेज का लेफ्ट में होगा, तभी नेट मोमेंटम को जीरो रख पाएगी वेज, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है। और देखो यहाँ पर एक बड़ी खास बात है कि अगर किसी बीच की सिचुएशन में पूछेगा तो हमें पार्टिकल की वेलोसिटी की ग्राउंड के फ्रेम में डायरेक्शन नहीं पता होगी, तो मजबूरी में हमें वेज के रिलेटिव में मानना पड़ेगा, वो हम डिस्कशन करेंगे बाद में। तो लेकिन अभी क्या है, पार्टिकल हमारा लोवेस्ट पॉइंट पे है और लोवेस्ट पॉइंट ये एकदम ये नीचे की तरफ है, तो इसकी वेलोसिटी v1 अगर हम ये मान लें और इसकी v2 मान लें, तो v1 और v2 दोनों हॉरिजॉन्टल हैं, हमने दोनों विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही माने हैं, क्योंकि हमें दोनों की डायरेक्शन कंफर्म है कि हाँ हॉरिजॉन्टल ही होगी। तो बस अब एक लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो, पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम किसके लिए लगा रहे हो, पार्टिकल प्लस वेज, किस डायरेक्शन में लगा रहे हो, एक्स डायरेक्शन में लगा रहे हो भाई, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा रहे हो। पहले दोनों रेस्ट पे थे, मोमेंटम जीरो था, बाद में वेज जा रही है 10 kg की अपोजिट डायरेक्शन में, 10 v2 प्लस 2 v1, तो यहां से हमारा v1 इज इक्वल टू 5 v2 एक इक्वेशन बन जाएगी। ये लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन है बेटा। अब एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन या वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हो। तो एनर्जी कंजर्वेशन में मान लेते हैं पार्टिकल की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, वेज की अब मैं नहीं लिख रहा, वेज की चेंज होती नहीं है, कट जाती है, सिर्फ उसी की पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे जो चेंज हो रही है। तो पार्टिकल की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यू पार्टिकल है, काइनेटिक एनर्जी दोनों रेस्ट पे थे, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल नीचे आया कितना, 1 meter, भाई रेडियस के बराबर ही तो हाइट कवर करेगा बेटा। तो mgh ये पार्टिकल की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है और पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1 स्क्वायर और वेज की है हाफ mv2 स्क्वायर। U पार्टिकल से U पार्टिकल कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से ये 20 इधर आ जाएगा, 20 इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 5v2 स्क्वायर, v1 5v2 रख देंगे तो ये 30v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 20, v2 है अंडर रूट के अंदर 2/3 और v1 है 5 times अंडर रूट के अंदर 2/3। दीज आर द वेलोसिटीज बेटा।
ओके तो अब हम बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बच्चों एक डिस्कस करेंगे. ये तो सिमिलर क्वेश्चन है तो आई डोंट थिंक आप किसी को दिक्कत होगी इन कॉन्सेप्ट को समझने में. थोड़ा डिफरेंट प्रॉब्लम की तरफ बच्चों बढ़ते हैं. एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट ले लेते हैं. जैसे मान लो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एप्लीकेशन ही है बट थोड़ा सा डिफरेंट है. ये एक प्लैंक है बेटा और इसका मास m है. इस पे एक पर्सन खड़ा हुआ है जिसका मास स्मॉल m है एंड एवरीथिंग इज एट रेस्ट. सब कुछ रुका हुआ है, रेस्ट पे है बेटा. तो अगर सब कुछ रेस्ट पे है तो ये स्मूथ सरफेस है एंड इनिशियली एवरीथिंग इज एट रेस्ट. इफ मैन moves by a displacement L relative to Planck, find out relative to Planck towards right. Find out displacement of Planck with respect to ground. Note down the problem. Problem statement note कर ले. ओके बच्चों इस प्रॉब्लम में बहुत ध्यान से देखो जरा.
अगर मैं कहूं कि मैं सिस्टम मान रहा हूं मैन प्लस प्लैंक को, मैं नीचे लिखता हूं, सिस्टम मान रहा हूं मैन प्लस प्लैंक को, तो यहां पर बहुत ही सिंपल बात है। अभी हमने मोशन वाला क्वेश्चन किया था कि इस, बहुत ध्यान समझना, पूरा सेटअप रुका हुआ, इस पूरे सिस्टम पे जब ये मोशन मूव भी करेगा ना, ये एल मूव कर रहा है प्लैंक के रिलेटिव में एल, तो हम जानते हैं कि नेट मोमेंटम जीरो है सिस्टम का और एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसलिए लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। बहुत ध्यान समझना, लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, कंजर्व रहेगा। लीनियर मोमेंटम हमने बता रखा है आपको क्या, लीनियर मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, टोटल मास सिस्टम का इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मास बदल नहीं रहा है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, इसका मतलब है सेंटर ऑफ मास की जो जो भी वेलोसिटी होगी बेटा वो उतनी रहेगी पहले की जैसी रहेगी। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे, चूंकि इनिशियल मोमेंटम जो है, इनिशियल मोमेंटम क्या है, जीरो है। आप देखो यहाँ पे कोई मोशन नहीं कर रहा बेटा, प्लीज ध्यान समझना। तो मोमेंटम है टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो बिकॉज सेंटर ऑफ मास की एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो ये ऑल टाइम जीरो ही रहेगी एक्स डायरेक्शन में, बिकॉज चेंज नहीं होने वाली है ना। मोमेंटम कंजर्वेशन का देखिए कई बार मिसकंसेप्शन हो जाता है, बच्चों को यही लगने लगता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास मूव ही नहीं करेगा। ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन वाली लाइन है, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है किसी डायरेक्शन में तो उस डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास सिस्टम का कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। ये जरूरी नहीं कि मूव नहीं करेगा, लेकिन यहां क्यों नहीं मूव कर रहा, क्योंकि यहां पहले से वेलोसिटी जीरो थी बेटा, तो जीरो थी तो जीरो रहेगी, टेन होती तो टेन रहती, ट्वेंटी होती तो ट्वेंटी रहती है ना। यानी इस पर्टिकुलर केस में बिकॉज सेंटर ऑफ मास वॉज इनिशियली एट रेस्ट, दैट्स वाई यू कैन से दैट सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, राइट बेटा। तो इसलिए तुम कह सकते हो कि इस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट ही नहीं बल्कि जीरो है, तो सेंटर ऑफ मास की एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो है, तो वेलोसिटी जीरो है तो सेंटर ऑफ मास का एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो जाएगा। यस बेटा। सर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट के बाद सर बता दीजिए, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, हमने कहा कि एक्सटर्नल फोर्स यदि जीरो है तो मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा, एंड अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो मोमेंटम होता है टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये चीज कांस्टेंट है, तो टोटल मास अगर चेंज ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब यही होता है कि सेंटर ऑफ मास का जो मोशन है उसकी वेलोसिटी नहीं बदलेगी, कुछ भी हो जाए इंटरनल फोर्सेस के कारण बट उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, तो जो वेलोसिटी पहले होगी वही बाद में रहेगी। अब यहाँ पर क्या है बेटा कि पर्सन पहले रेस्ट पे था, एवरीथिंग एट रेस्ट इनिशियली, राइट, तो अगर सब कुछ रेस्ट पे था तो इनिशियली सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पे था, तो चूंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में चेंज नहीं होना है तो इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो रहेगी तो मोशन के दौरान भी ऑल टाइम जीरो बनी रहेगी। यानी अवर कंक्लूजन इज कि सेंटर ऑफ मास भले ही आदमी मूव करे, प्लैंक पीछे भागे, बट सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी एज इट इज रहेगी, और बिकॉज वो जीरो ही थी तो जीरो रहेगी, अगर नॉन जीरो होती तो नॉन जीरो रहती बेटा, ये कहना चाह रहा था मैं। तो अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो है तो उसमें मूव मोशन ही नहीं होगा, तो उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, मतलब ऐसे समझो कि आदमी भले ही राइट डायरेक्शन में जाएगा, प्लैंक भले ही लेफ्ट डायरेक्शन में आएगा,
बट सेंटर ऑफ मास ना तो राइट जाएगा ना लेफ्ट जाएगा, वो एज इट इज जहां होगा हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस नहीं होगा, वहीं पे बना रहेगा। ठीक है बेटा, तो यहां पर मैं आपको एक डायग्राम के साथ इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सिखाता हूं कि ये डिस्प्लेसमेंट वाले क्वेश्चन कैसे करते हो आप। ये बच्चों हमारे पास एक प्लैंक था, उसमें ये एक आदमी खड़ा हुआ था, मान लेते हैं अभी ये आदमी हमारा मान लो एल मीटर इसमें मूव कर गया, यहां से यहां तक आएगा बेटा, लेकिन इसके राइट मोशन जब 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 तक जब तक ये राइट मूव करेगा मोमेंटम जीरो रखने के लिए प्लैंक लेफ्ट मूव करेगा, तो प्लैंक पीछे की तरफ आएगा कुछ, मान लेते हैं प्लैंक हमारा एक्स पीछे की तरफ कुछ आ जाएगा ऐसे, और आदमी अपनी लोकेशन से राइट गया है तो ये आप कह सकते हो कि इस पोजीशन से ये ए पोजीशन से मान लो बी पोजीशन तक गया है, तो ए पोजीशन कुछ यहाँ थी और बी पोजीशन तो ये ऐसे कुछ यहाँ आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखो क्योंकि ये अब टुकड़ों में आप देखो, इस आदमी को यहाँ पहुंचा दो फिर प्लैंक भी तो पीछे आया है, तो ये एग्जैक्टली इस लाइन पे ना आके थोड़ा सा पीछे हो जाएगा, पूरा सिस्टम ही पीछे लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। तो अगर ये आदमी प्लैंक पे एल मीटर आगे चले, मान लो 10 मीटर प्लैंक पे आगे चले, उसी दौरान प्लैंक 2 मीटर पीछे हो जाए, तो आप देखो इसका नेट मूवमेंट जो होगा, क्योंकि ये जो बी पॉइंट पे पहुंचा है बी पॉइंट अब यहाँ आ गया है, तो प्लैंक अगर एक्स पीछे की तरफ शिफ्ट हुआ है तो प्लैंक का हर पॉइंट इवन बी पॉइंट भी एक्स पीछे किसका होगा, तो एल ये आगे गया है और इस प्लैंक के मोशन के कारण एक्स पीछे भी आ गया है, तो मैन का जो ग्राउंड के रिलेटिव में नेट मूवमेंट होगा ये वाला, ये एल माइनस एक्स होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर हम देखेंगे, तो मैन का डिस्प्लेसमेंट होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एल माइनस एक्स टूवर्ड्स राइट। ठीक है, ये ध्यान रखना है, जैसे आप सिंपल समझो आप 5 मीटर आगे गए और उस प्लैंक को किसी ने 1 मीटर पीछे घसीट दिया, तो आप 1 मीटर पीछे भी आ गए, उस पर बैठे 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 खड़े खड़े है ना। तो यहाँ पर दो बातें हैं, मैन का मूवमेंट ग्राउंड के रिलेटिव में एल माइनस एक्स है क्योंकि ये प्लैंक के रिलेटिव में था एंड प्लैंक का मोशन अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, और प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट अगर डायरेक्शन के साथ देखेंगे तो माइनस एक्स है पीछे की तरफ। अब हम कॉन्सेप्ट क्या लगा रहे हैं, हमें पता है कि इस क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास में कोई मूवमेंट नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो एक इक्वेशन बच्चों हम यूज करने जा रहे हैं। कौन सी इक्वेशन, याद करो मैंने डिस्प्लेसमेंट के बारे में लिखवा रखा है, एम वन डेल्टा एक्स वन प्लस एम टू डेल्टा एक्स टू डिवाइडेड बाई टोटल मास एम वन प्लस एम टू इक्वल टू डेल्टा, जैसा फॉर्मूला पोजिशन में होता है वैसे ही डिस्प्लेसमेंट में होता है। इसको रीअरेंज करके लिख देता हूं मैं, तो टोटल मास इनटू डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एम वन डेल्टा एक्स वन प्लस एम टू डेल्टा एक्स टू। इस तरह का मंकी वगैरह का क्वेश्चन एक दो मैंने कराया था लेक्चर 1 या 2 में। यस सर, है ना। तो अब आप समझ रहे हो कि अब आप ये समझ रहे हो बच्चों कि यहां पर ये सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा, तो ये वाला टर्म बच्चों जीरो होगा, है ना। तो m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। ओके, तो आइए देखिए इसको हम जीरो कर लेते हैं, तो लेफ्ट में ये जीरो होगा, राइट में मैन का मास अगर स्मॉल m है और उसका डिस्प्लेसमेंट l माइनस x राइट डायरेक्शन में है तो प्लस के साथ लिखेंगे, प्लैंक का मास कैपिटल एम है और उसका डिस्प्लेसमेंट माइनस एक्स लेफ्ट डायरेक्शन में तो लिखेंगे, तो एक्स की वैल्यू एम इंटू एल अपॉन एम प्लस एम के बराबर होगी। तो इस तरह से रटना नहीं है बेटा, समझ के करना है। अब हर प्रॉब्लम में मुझे इतना एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, इससे मिलते जुलते कई सवाल आएंगे। मेन लॉजिक ये था बच्चों कि पहला ओवरऑल कहा जाए सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं था इसलिए सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहा, मोमेंटम जीरो होने के कारण सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी और वो इनिशियल वेलोसिटी जीरो ही बनी रही हमेशा वेलोसिटी, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ही सेंटर ऑफ मास के मोशन में चेंज कर सकते हैं, तो सेंटर ऑफ मास मूव ही नहीं हुआ, यहाँ पर जहां पे था वहीं बना रहा, हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो गया।
तो सेंटर मास के डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन लिखी और उसमें डेल्टा एक्स सेंटर मास को जीरो लिख दिया, इंडिविजुअल ब्लॉक्स का डिस्प्लेसमेंट पुट करके सॉल्व कर दिया बेटा। ठीक है, तो अब मैं इस तरह के दो तीन क्वेश्चन आपके लिए दूंगा। ये एक बेसिक क्वेश्चन था जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। सर वो बीच में एक आई का टर्म, यस बेटा आई का टर्म कहां बेटा, और ऊपर एक बीच में आई लिखा था, इनिशियल था वो, ये इनिशियल आई मतलब इनिशियल कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, और चूंकि ये मैंने समझाया था इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी चूंकि पहले सब रुका हुआ था, तो yes, और चूंकि यहाँ लिखा कांस्टेंट भी रहनी है, तो अगर जीरो है तो जीरो ही कांस्टेंट बने, तो इसलिए उसी से कंक्लूड कर लिया कि ऑल टाइम जीरो रहेगी वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास। ओके सर। सर डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिया जाएगा बेटा, मोमेंटम ग्राउंड के फ्रेम में ही तो कंजर्व कर रहे हैं हम लोग, ग्राउंड के फ्रेम में ही तो कंजर्व है ना, तो डिस्प्लेसमेंट हो या वेलोसिटी हो या काइनेटिक एनर्जी हो सब कुछ ग्राउंड के फ्रेम में लिखेंगे, है ना। ओके सर। जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाते हैं अजीत, उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम इक्वेशन यूज करते हैं, उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन की वैल्यूज भी पुट करते हैं। अगर हमसे ये पहले कह दे कि एल जो है ये ग्राउंड के फ्रेम में ही है तो हमें एल में एक्स घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन चूंकि ये एल ग्राउंड के फ्रेम में ना दे करके प्लैंक के फ्रेम में दिया है इसलिए मुझे एल माइनस एक्स करना पड़ रहा है। चलिए एक क्वेश्चन इसी तरह से हाँ सर, ये वाली पीडीएफ ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा। डेफिनेटली ग्रुप पे भेजेंगे बेटा, पीडीएफ सारी मिल जाएंगी, उसकी चिंता ना कर। अगर कोई मिस हो जाता है तो आप नोट जरूर कर सकेंगे। चलिए तो एक क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन बेटा हम करते हैं। चलो इस पे हमने दो आदमी खड़े कर दिए, ये 60 केजी का आदमी है, ये राइट डायरेक्शन में 8 मीटर चल रहा है, ये 40 केजी का आदमी है लेफ्ट डायरेक्शन में 2 मीटर चल रहा है, और ये 100 केजी का प्लैंक है, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे था, इनिशियली एवरीथिंग वर एट रेस्ट, तो मैन के डिस्प्लेसमेंट होने के बाद फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक। सर ये प्लैंक के रिस्पेक्ट दिए हैं 8 मीटर 2 मीटर, हाँ ये डिस्प्लेसमेंट प्लैंक के रिस्पेक्ट में दिए हैं, ऑल द डिस्प्लेसमेंट्स आर गिवन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, है ना, ये विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक। चलो आराम से बेसिक से करना, रट नहीं पाओगे, है ना, कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट मान लो किसी एक डायरेक्शन में जिसमें तुम्हें लग रहा हो कि नहीं इसी डायरेक्शन में इफेक्टिव मोशन होगा,
यस बच्चों सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है सर दिख नहीं रहा हो गए नो सर किसी को दिख रहा है नो सर स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई है नो सर हाउ इज इट पॉसिबल भाई समवन एल्स इज प्रेजेंटिंग कौन प्रेजेंट कर रहा है भाई कोई सर अभी नाम आया था लेकिन चला गया भैया प्रेजेंट अजेंट ना करो हमको ही प्रेजेंट करने दो अभी दिखी नो सर नो सर चलो अभी दिखा रहे हैं रुक जाओ टेंशन ना लो सर 5 मीटर से आंसर आ रहा है यस सर अब यस सर अब देख अब दिख रहा है हां माइक ऑफ कर लो यस सर मुझे दिख रही है आवाज तुम लोग की सर 2 मीटर आ गया सर 5 मीटर लेट्स सी देखते हैं 2 मीटर करेक्ट आप देखो बच्चों अगर हम मान ले देखिए हमें ऐसा लग रहा है कि ये भारी बॉडी है और ये ज्यादा मूव कर रही है तो इसके इफेक्ट के कारण ये उल्टा ही आएगा बट अगर हम गलत मान रहे हैं तो हमारा आंसर नेगेटिव आएगा इसलिए चिंता ना करें तो हमने मान लिया कि ये एक्स पीछे आ रहा है और देखो ये इधर ही तरफ एक्स आ रहा है तो इसका जो ग्राउंड के रिलेटिव में मूवमेंट हो जाएगा वो 2+x हो जाएगा बिकॉज 2 मीटर ये इस तरफ चला और एक्स मीटर इधर ही चला तो और इसका मूवमेंट हो जाएगा 8-x पहले तो ये समझो भाई 40 kg जो है वो लेफ्ट की तरफ ही तो एक्स चला है बेटा और प्लैंक भी हमारा लेफ्ट की तरफ एक्स चला है तो दोनों का ग्राउंड के रिलेटिव में जो मूवमेंट होगा वो 2+2 meters इधर चला और फिर प्लैंक भी इधर ही चला तो ऐड हो जाएगा ना बेटा चलिए अब हम अप्लाई कर देते हैं कॉन्सेप्ट क्या है कॉन्सेप्ट टोटल मास इनटू डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास m1 डेल्टा x1 m2 डेल्टा x2 m3 डेल्टा x3 तो ये हो जाएगा 0 चूंकि सेंटर मास मोशन नहीं करेगा 100 वाले का पहले लिख लेते हैं चलो -x 40 वाले का भी लिख लेते हैं माइनस का 2+x लेफ्ट में है भाई साहब तो 2+x है बट है माइनस का 60 वाले का लिख लेते हैं 8-x 100x 140x और 200x हो जाएगा ये हो जाएगा 480 प्लस का और माइनस का 80 अरे वाह ये तो साफ साफ 2 meters आ गया बेटा देखो चेक करो यस सर 2 meters पता नहीं क्या निकाले पड़े हो तुम लोग ये 2-2+ दो मीटर तो बोले थे वो सब हम समझ गए कैलकुलेशन अगर कर दिया तुम तो पर 2 meters तो बोले राजा बेटा हो यार अरे ठीक है यार तो मेरे लाल बताएं भाई क्या हाल चाल है ना सही है सही है तो चलिए आज पहली क्लास है आज इतना ही रखते हैं अच्छे से आराम आराम से पढ़ेंगे और पूरा मन लगा के डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करिए किसी ने अगर ये विचार किया कि हम रिकॉर्डिंग मिल जाए हम ये देख लेंगे नोट्स देख लेंगे भाई साहब पढ़ाई नहीं हो पाएगी मैं बता रहा हूँ आप जगिए मुआ दुलिए 7:30 पे जगिए हम 8-10 पढ़ाएंगे ठीक है और अपना मुआ दुल के जूते वूते पहन के मुफलर लगा के बैठिए कॉपी पेन लेके यस सर टाइम मान के नहीं कर सकते कहने का मतलब टाइम मानने की क्या जरूरत है बेटा हमें ये नहीं पता ना मोशन कैसे हो रहा है एक्सेलरेट करके हो रहा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से हो रहा है सिर्फ डिस्प्लेसमेंट गिवन है अदर चीजें नहीं गिवन है ना तो मैं ये कह रहा था डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करेंगे जिस टाइम क्लास है उसी टाइम करेंगे रेगुलरिटी के साथ तभी आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी अदरवाइज जैसे 90% लोग लापरवाही करते हैं वैसे आप भी करेंगे तो आप भी नहीं होंगे और अगर आप सिंसियरली क्लास अटेंड नहीं करेंगे मेरा एक बार इंटरेस्ट छूट गया तो फिर मैं भी क्लास छोड़ दूंगा कह दूंगा ठीक है रिकॉर्डिंग दे दिया करूंगा और मेरे पास बहुत सारी पुरानी रिकॉर्डिंग है उससे भला नहीं होने वाला है लाइव अटेंड करने की बात अलग होती है
ठीक है ना, उसमें डाउट पूछ सकते हो अपने, ठीक है। पीडीएफ नोट्स में दे दिया करूंगा, उसकी चिंता ना करना, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाएगी, आई एम सॉरी, ठीक है। यस सर, चलिए, ओके, थैंक यू, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सर, थैंक यू सर, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, ओके ओके बच्चों, चलिए छोड़ दीजिए, थैंक यू।